नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। आज नगर परिषद बोर्ड को 3 वर्ष हो गए हैं। 3 वर्ष की उपलब्धि के नाम पर नगर परिषद का कहना है कि 110 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए हैं। कच्ची बस्तियों में पट्टों का वितरण किया है, जगह जगह पर शौचालय बनाए गए हैं, सौंदर्यकरण के कार्य करवाए गए हैं। ये नगर परिषद का दावा है। इसके विपरीत नगर परिषद की चर्चा करें, इन 3 वर्षों में नगर परिषद ने सिर्फ 3 बैठकें बुलाई है और वो भी 3 बैठकें मात्र बजट की बैठकें बुलाई गई है। 2 वर्ष पहले नगर परिषद की कमेटियों का गठन किया गया था। उन कमेटियों की इक्का दुक्का बैठक को छोड़कर एक भी अब तक बैठक नहीं हुई। इससे साफ जाहिर है कि नगर परिषद में पारदर्शिता का अभाव है और समय समय पर नगर परिषद के बोर्ड के खुद के कांग्रेस के पार्षद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाते रहे हैं। हाल ही में भाजपा ने एक प्रेस वार्ता करके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। 3 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर आज हम आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं आज कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद प्रवीण सूदा और भाजपा के नरेंद्र गोयल। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पवन जी, बहुत उपलब्धियां गिनाई जा रही है कि नगर परिषद ने 3 वर्ष के कार्यकाल में बहुत उपलब्धियां हासिल की है, मगर धरातल पे आम जनता को ये उपलब्धियां दिख नहीं रही है। आपका क्या कहना है इस बोर्ड के लिए? नमस्कार, मैं सभी शहरवासियों को बधाई दूंगा क्योंकि हमारे इस बोर्ड को 3 वर्ष पूरे हुए हैं। इसमें कई खट्टे और मीठे अनुभव रहे हैं हमारे। जैसा कि विमल जी आपने कहा कि 3 सालों में इस बोर्ड ने क्या विकास किया और क्या विकास नहीं किया, और हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के जिला अध्यक्ष और युवा नेता ने बुलाई थी, उसके बारे में भी आपने बताया, तो मैं इन सब बारे में आपके साथ में और जनता के साथ में हमारे इस बोर्ड को लेके कहना चाहता हूँ। पिछले 3 साल से जो हमारा ये बोर्ड गठित हुआ है, इसमें सौभाग्य मुझे भी मिला, मैं भी इसमें एक सदस्य था और सदस्य के रूप में मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं थी इस शहर को लेके कि काफ़ी कुछ करें, मगर जैसा कि आपने बताया कि धरातल पे हम उन चीज़ों पे पूरा नहीं उतर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण है आंकड़े। जो हमारे इस बोर्ड में मैंने जो देखा है, जो आंकड़ों की एक अलग ही गणित चल रही है, बताया क्या जाता है और धरातल पे क्या होता है। जैसे आज के किसी एक न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ नगर परिषद के 3 साल को लेके छपा है, उसके अंदर भी जैसे आंकड़े दिए गए वार्ड नंबर 1 से 11 में 10,000-11,000 घरों को हमने सफाई से जोड़ा, जब 11,000 घर हमारे 10 वार्डों में ही हैं, तो फिर इसका मतलब शहर में क्या 45,000-50,000 घर है? मतलब ये जो जिस प्रकार से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, ये आंकड़े अपने आप में हमारे इस शहर के लिए बहुत ही घातक है। और उसके साथ में सबसे ज्यादा मैं इन 3 सालों में दोषी मानता हूं तो विपक्ष को। इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर 1 या 2 पार्षद का ही फर्क रहा था, तो जितना विश्वास कांग्रेस के पार्षदों पे हम पे विश्वास किया था जनता ने, उतना का उतना विश्वास जनता ने बीजेपी की पार्षदों पे किया था। मगर मुझे आज ये कहते हुए 1% भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि बीजेपी भाजपा के पार्षदों ने अपनी जो दायित्व था उसको किसी भी प्रकार से निभाया नहीं है। अगर वो निभाते तो आज हमारे इस शहर की ये दुर्गति नहीं होती। पवन जी ने सीधा सा आरोप लगाया है नरेंद्र जी आपकी पार्टी पर, आप पर, कि लगभग बराबरी संख्या में पार्षद थे,
जनादेश भाजपा को उतना ही दिया था, जनता ने जिता कांग्रेस को दिया था, उसके बावजूद भी विपक्ष नाम की चीज़ नहीं रही नगर परिषद में, पूरा विरोध नहीं हुआ और जो मनमानी नगर परिषद करती रही वो आप उसमें सहयोगी बनते रहे, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जब हम 3 वर्ष पहले पार्षद बन के आए थे नगर परिषद में, तब हम जैसे युवा लोग कुछ विजन लेकर आए थे। हमने सोचा था इन 5 वर्षों में अपने वार्ड का विकास करेंगे, लोगों के कार्य होंगे, लेकिन जैसलमेर की राजनीतिक दृष्टिकोण से आप दो गुटों की खींचातान की वजह से नगर परिषद में आज ये हालत हो चुकी है कि अधिकारी गण ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है। इस वजह से पार्षदों के अधिकारों का हनन हो रहा है। हनन होने के पीछे कारण ये भी है कि पार्षदों में एकता नहीं है। जैसा पवन जी ने बताया कि विपक्ष ने समय समय पर नगर परिषद के अधिकारियों के समक्ष, चेयरमैन के समक्ष अपनी बातें रखी, आम सभा में भी ऐसे कई ज्वलंत मुद्दों पे अपनी बातें रखी, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से वो कार्य आज तक नहीं हो पाए जो हमने बताए थे। विकास कार्यों में जो आंकड़े आ रहे हैं, करोड़ों के विकास शहर में जो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा भाजपा के जो पार्षद है उन वार्डों में उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहे जैसा कि आंकड़ों में दर्शाया गया। नगर परिषद भेदभाव बरत रही है ये तो जग जाहिर है, मगर जिस तरह की चर्चाएं आ रही है उसमें ये लग रहा है कि नगर परिषद बोर्ड के अध्यक्ष मनमानी ढंग से न केवल भाजपा के वार्डों में मनमानी करते हैं, वो उनके कांग्रेस के चुने हुए पार्षदों के वार्डों में भी काम नहीं हो रहे। तो पवन जी, कई आपके कांग्रेस के पार्षदों का भी आरोप है कि उनके वार्ड में भी कार्य नहीं हो रहे, तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा आप जनता से ये कहना है, किसी भी बात को मैं घुमा फिरा के नहीं और सीधी कहने में विश्वास करता हूँ। ये एक आदमी किसी पद पे आने के बाद में अगर वो किसी भी प्रकार की द्वेषता रखता है तो वो उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उसे भविष्य में भी कभी राजनीति करनी है, चाहे उसे भविष्य में भी शहर के प्रति सोचना है या शहर में कहीं पर भी जाना है, तो उसे कहीं पर भी द्वेषता नहीं रखनी चाहिए, जबकि हमारे सभापति महोदय द्वारा पूर्णतः द्वेषता रखी गई है। क्योंकि इसका मैं खुद ही अपने आप में उदाहरण मानूँ तो आज मेरा वार्ड जिस तरीके से भुगत भोगी हो रहा है, मेरी वार्ड की जनता जिस तरीके से भुगत रही है, मतलब मुझे ग्लिटी फील हो रही है कि मैं उन मेरी वार्ड की जनता का कार्य करवाने में असक्षम हूँ, उस जबकि मेरी वार्ड की जनता ने मुझे इवन इतनी तक कह दिया है कि पवन जी आप इस चीज़ की चिंता मत करें कि आप वार्ड का काम हो चाहे नहीं हो, आप अपनी लड़ाई को जारी रखें। जिस तरीके से नगर परिषद में भ्रष्टाचार चल रहा है, गलत कार्य चल रहे हैं, आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, आप उस लड़ाई को निरंतर जारी रखें, चाहे उसमें आपका साथ कोई दे चाहे नहीं दे, चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी आपका साथ नहीं दे। मेरे वार्ड की जनता ने मुझे आगे बढ़कर ये कहा है कि आप चिंता न करें, हमें हमारे वार्ड का विकास हो चाहे नहीं हो। मोहन जी, आपके वार्ड की स्थिति अन्य वार्डों से भिन्न है, इसका रीजन ये है कि आप पिछले 30 साल से आप और आपका परिवार ही उसमें पार्षद बनते आ रहे, तो निश्चित रूप से आपके परिवार पे आप पे उस वार्ड के लोगों का विश्वास है। मगर जो अगर चर्चा करें 110 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा दिया गया है कि 3 वर्ष में 110 करोड़ रुपए खर्च किए गए विकास कार्यों पे, तो धरातल पे वो है कि नहीं है, ये इस बारे में आप क्या कहेंगे कि धरातल की क्या स्थिति है? मैं इस बारे में विमल जी इतना ही कहूँगा कि कोई भी 3 साल की उपलब्धि बताता है तो उपलब्धि कहीं ना कहीं उन्होंने आगे बढ़कर, चाहे वो पोस्टर के रूप में, चाहे वो किसी न्यूज़पेपर पे या किसी भी सोशल मीडिया पे वो दर्शाई जाती है। तो मैंने आज के पेपर चेक किए, 2 दिन से पेपर चेक कर रहा हूँ, उसके अंदर उन्होंने अपनी पूरी के पूरी, हमारे सभापति महोदय ने, नगर परिषद ने अपने आंकड़े पेश किए हैं, तो उन आंकड़ों में कहीं पर भी आपको 10-12 करोड़ से ज़्यादा के काम दिख नहीं रहे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंबेडकर जी की मूर्ति या गांधी जी की मूर्ति या एक तिरंगा जो शायद हो सकता था, वो भी बहुत ही कम से कम दर में और बहुत अच्छी तरीके से बन सकते थे। मगर आनंद फानंद में जहाँ हमने तिरंगा लगाया है, उस तिरंगे को अगर वहाँ ना लगा के नेहरू पार्क में लगाते तो कहीं ज़्यादा अच्छा लगता और शहर संकड़ा नहीं होता, शहर की रोड़े संकड़ी नहीं होती। मगर
जिस तरीके से गलत कार्य चल रहे हैं उसके लिए तो अब मैं अपने आप को तो दोषी मानता हूं और साथ साथ में विपक्ष को ज्यादा दोषी मानता हूं कि उनको आगे बढ़कर विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और मैं आपको एक चीज विमल जी और बताना चाहता हूं, मैं हाल ही में जयपुर गया था, जोधपुर गया था, शिकायतों को लेके मुझे किसी अधिकारी ने ये तक कह दिया कि आपके बोर्ड के अंदर जिस तरीके से 8 से 9 करोड़ रुपए का जो पेमेंट किया गया था उसके अंदर चाहे टेंट को किया गया, चाहे बिजली के किया गया, चाहे वो पेंटिंग को किया गया, चाहे वो फ्लेक्स का किया गया, चाहे रोड लाइट्स का किया गया, जो भी पेमेंट्स किए गए उसके लिए आपके पूरे बोर्ड को दोषी मानते हुए पूरे दो बोर्ड को सस्पेंड करने का हमारे पास में राइट्स है। जिस तरीके से नरेंद्र जी कह रहे हैं हमने समय समय पर रहकर विपक्ष की भूमिका निभाई है, अगर आपने भूमिका निभाई होती तो आज हमारा बोर्ड इस स्थिति में खड़ा नहीं होता कि हमारा पूरा बोर्ड ही सस्पेंड होने की कंगार पे है। नगर परिषद बोर्ड में जिस तरह की अनियमितताएं, जिस तरह के भ्रष्टाचार, ये जग जाहिर है। जो समय समय पर चाहे नगर परिषद बोर्ड के पार्षदों ने कुछ किया नहीं हो मगर विभिन्न समाचार पत्रों में हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे नगर परिषद के खिलाफ उठाते जाते रहे हैं लोगों ने, और उसको लेकर कहीं ना कहीं नगर परिषद पे अब दबाव बढ़ रहा है। जांच कमेटी बैठ रही है, उनके जो भ्रष्टाचार किए गए उनकी जांच हो रही है। आप कहे कि नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, विपक्ष नहीं बोल रहा है, और पक्ष के लोग तो फिर भी विरोध करें मगर विपक्ष का मजबूत होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, जैसा कि अभी प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने बताया गया। और एक तारीख से जिस तरह की जन आक्रोश रैली निकाल कर भाजपा अपना विरोध प्रकट करेगी उसमें नगर पालिका का भी मुद्दा शामिल है, तो नरेंद्र जी आप किस तरह से भाजपा की योजना है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार है नगर में, जो आम आदमी की गाड़ी कमाई का पैसे को निजी हितों के लिए खर्च किया जा रहा है, उस पर आपका क्या विचार है कि क्या आंदोलन करने की आपकी मंशा है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी दिनों में जन आक्रोश रैली का जो आयोजन हो रहा है उसमें नगर पालिका के कई विभिन्न ज्वलंत मुद्दे शामिल है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया था कि जैसलमेर जैसे अतिक्रमण बढ़ रहा है, वो विशिष्ट समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमण जो किया जा रहा है उसको लेकर आयुक्त को 2 बार अवगत भी करवाया गया है। आयुक्त ने भी आश्वस्त किया कि आगामी दिनों उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये अतिक्रमण लगातार 3 वर्षों से हो रहे, एकदम से उन पर कार्रवाई होना असंभव है, हम भी जानते हैं, लेकिन आगामी दिनों में रोकने के हेतु आयुक्त अपने क्या प्रयास कर सकते हैं, इस हेतु लगातार आयुक्त से संपर्क करेंगे और अतिक्रमण होने से रोकेंगे। मोहन जी, वार्ड सरकार आगामी 1 वर्ष बाद सरकार के चुनाव है, राजस्थान सरकार के चुनाव है, तो क्या इस नगर परिषद की जो कार्यशैली है उसका कांग्रेस को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? ठीक बात है मोहन जी, आपने जो सवाल किया है ये सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है, क्या मैं कांग्रेस का संगठन महामंत्री, एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे दी हुई है, पार्षद उस जिम्मेवारी के आगे पार्षद बहुत ही छोटी सी जिम्मेवारी होती है। जब मैं मेरी पार्टी के लिए 2023 का इलेक्शन देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमें जो करना था हम कर नहीं पाए, और किन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हम हर जगह नाकाम रहे हैं, चाहे वो 2-3 में छोटी छोटी चीजें बता दूं आपको। हाल में जैसे नगर परिषद है, नगर परिषद में बिना मतलब IN भी है वहां, JN भी है, टेक्निकल अधिकारी भी है, उसके बावजूद चौराहों पर मूर्तियां लगने जा रही है, जबकि ये नहीं मालूम है कि ये रोड, ये चौराहा 200 मीटर 100 मीटर कौन सी रोड पे आ रहा है, कहाँ है, क्या नहीं है, मगर वो लगा रहे हैं। ये जिस तरीके से पैसों का मिसयूज हो रहा है, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अगर कहीं पर भी स्टे के लिए कोर्ट में जाता है तो कोर्ट 1 मिनट में उस जगह का स्टे देता है, और आपने आनंद फानंद में वहां पर मूर्तियों के लिए स्ट्रक्चर तैयार कर दिए, मूर्तियों के लिए आपने ऑर्डर दे दिए, क्यों हमारे जिले के जो महानुभाव है जिन्होंने इस जिले के लिए, इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है, उनकी मूर्तियों को विवादास्पद क्यों बनाया जा रहा है? क्यों ना जिस तरीके से पहले गर्ल्स कॉलेज के पीछे, गर्ल्स स्कूल के पीछे जिस तरीके से पार्क का निर्माण कराया आनंद फानंद में बिना डॉक्यूमेंट चेक किए, बिना, तो उस पर आज स्टे आया हुआ है,
तो आज वो जो पैसे नगर परिषद के बर्बाद हुए उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब तक जिम्मेवारी तय नहीं होगी, ये जिम्मेवारी हमारे एमएलए साहब की भी है, ये जिम्मेवारी हमारे सभापति महोदय की भी है, ये जिम्मेवारी हमारी भी है और ये जिम्मेवारी हमारे जिला अध्यक्ष की भी है कि वो समय समय पर सवाल करे, अधिकारियों से भी सवाल करे, हमसे भी सवाल करे, जनता के बीच में भी जाए कि जनता क्या चाहती है। मगर शायद इन जगह पे हम खड़े नहीं उतर पाए हैं, इसमें मुझे कहने में कहीं दोराई नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पैसों की बर्बादी हो रही है, आपको आज अच्छा लगा आपने पार्क के दीवार पे पेंटिंग करा दी और दो महीने बाद में आपको अच्छा लगा कि ये पार्क हटा दो, यहाँ पर पार्क की जगह दूसरा बना दो, ये क्या हुआ? आपने वो पेंटिंग कराई है तो पेंटिंग के लिए आपने एक साल दो साल निर्धारित किए होंगे, आपने लाखों रुपए उस पर खर्च किए, तो इन सवालों के जवाब कौन दे, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? और जी, इससे मिलता जुलता एक सवाल और है आपसे, जैसा आपने कहा कि दीवार पे पेंटिंग करवा दी गई, हजार लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसी तरह अभी एक मामला ज्वलंत दिख रहा है, हनुमान चौराहे की खुदाई हो रही है। जब आपने अभी रिसेंट में दो महीने पहले सड़क का निर्माण कराया, जिस सड़क की पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाया गया था, शहर भर में तारीफ हुई थी, और आज वही चौराया है जो वापस उसको पाइप लगवाने के लिए खुदाया जा रहा है, मतलब आपकी किसी प्रकार की कोई योजना है ही नहीं, बिना योजना की नगर पालिका कार्य कर रही है। कल रात को वहां चौराहे पे गया था, मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक्चुअल में ये पूरे शहर के अंदर सीवरेज की व्यवस्था है हमारे RDUDP ने कर रखी थी, उसके बावजूद अगर कहीं पर भी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स थी तो हमें उनसे कंसल्ट करके और इस पे काम करना था, जबकि हमने पिछले 3 साल में 4 से 5 करोड़ रुपए की सीवरेज की लाइनें और बिछा दी है, ठीक है। और जिस तरीके से आनंद फानंद में रोड़े तोड़ना और सीवरेज बिछना, सीवरेज बिछाने का काम नगर परिषद डायरेक्ट कर ही नहीं सकती है, मैंने जब अधिकारियों से बात की है तो वो डायरेक्ट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका एक अलग से रोड मैप बना हुआ है, कहाँ से किस लेवल के पाइप जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे। मगर टेक्निकल जिनकी जिम्मेवारी है उनको अपने कमीशन के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमारे शहर की जनता चाहे त्रस्त रहे चाहे कुछ भी हो उससे उनको कोई फर्क नहीं। नगर परिषद के 3 वर्ष पूर्ण होने पर नगर परिषद के जो दावे किए जा रहे हैं कि 3 साल में 110 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाया है, उन्होंने अपने बाकायदा ये बताया कि कहां कहां कार्य करवाया है। उन्होंने बताया कि अंबेडकर पार्क में संविधान निर्माता B.R. अंबेडकर की मूर्ति, इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मूर्ति, गढ़ी सर के सामने सदैव पार्क, एयरफोर्स चौराहे सटे परिषद के भूखंड पर महात्मा गांधी पार्क का निर्माण, शहर में प्रमुख मार्गों और मॉडर्न टॉयलेट्स बनाने की योजना, गढ़ी सर चौराहा, हनुमान चौराहा, अमर सागर चौराहा, कलात्मक खंभों और रात्रि प्रकाश व्यवस्था का करवाया जाना, विभिन्न प्रकार की 1 से 14 वार्ड तक 11,000 घरों व दुकानों में स्मार्ट कार्ड स्थापित, कचरा संग्रहण का कार्य करना, जमीनों की नीलामी से 225 करोड़ रुपए का आय करना, इस तरह के अनेक मामले उन्होंने बताए, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई कि ये नगर परिषद द्वारा कार्य करवाया गया है, और वो ये भी मानते हैं कि ये संतोषजनक कार्य हुआ है और वे अपनी इसको उपलब्धि के रूप में मानते हैं कि उन्होंने जो कार्य करवाए वो एक तरह की उपलब्धि है, जबकि इसका आंकलन जनता करेगी। हमारे साथ में आज नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद प्रवीण सूदा और भाजपा के नरेंद्र गोयल रहे, उन्होंने 3 वर्ष पूर्ण होने पर नगर परिषद की कार्यशैली के संबंध में और जिस तरह के विकास कार्यों में भेदभाव हुआ या किस तरह से विकास हुआ उस पर चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डेजर्ट स्टॉर्म में अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।